इस वीडियो अपडेट में हम जानेंगे राजेंद्र नगर टर्मिनल और बिहार के पटना रेलवे स्टेशन, जो कि इन दोनों रेलवे स्टेशन होकर के 21 सितंबर से कौन कौन सी ट्रेन चलेगी और इस स्टेशन पर कौन से ट्रेन का ठहराव होगा, यह पूरी जानकारी आपको यहां पर दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते आज का अपडेट। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बिहार में कुछ नई ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया है। इन सभी ट्रेनों का परिचालन 21 सितंबर से देखने को मिलेगा और इसकी बुकिंग आप लगभग 10 दिन पहले से करा सकते हैं। बिहार में राजेंद्र नगर टर्मिनल और पटना रेलवे स्टेशन होकर के चलने वाली कुछ नई ट्रेनों की लिस्ट हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लोन ट्रेन रेलवे चलाने की तैयारी में जुट गया है, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है और इसकी मंजूरी भी रेलवे बोर्ड ने दे दी है। 21 सितंबर से 40 नई ट्रेनों का शेड्यूल जारी किया गया है, जिनमें पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, छपरा, सहरसा, जयनगर जैसी तमाम रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेनें चलेंगी। इनमें बिहार के पटना और राजेंद्र नगर टर्मिनल से भी कई ट्रेनों का परिचालन देखने को मिलेगा। पहली ट्रेन राजेंद्र नगर से दिल्ली के बीच संपूर्ण क्रांति क्लोन स्पेशल ट्रेन का परिचालन शाम के 4:25 पर ट्रेन संख्या 03293 के साथ देखने को मिलेगा। वहीं दिल्ली से राजेंद्र नगर के बीच चलने वाली दूसरी दिशा में संपूर्ण क्रांति क्लोन स्पेशल ट्रेन दिन के 1:30 पर दिल्ली से राजेंद्र नगर टर्मिनल के लिए रवाना होगी। ट्रेन संख्या 03294 के साथ यह ट्रेन दिल्ली से रवाना की जाएगी। वहीं पटना के लिए अहमदाबाद से ट्रेन शाम 7:45 पर अहमदाबाद से खुलेगी, ट्रेन संख्या 09447 के साथ। वहीं पटना से यह ट्रेन अहमदाबाद के लिए रात में 10:30 रवाना होगी, ट्रेन संख्या 09448 के साथ। इन दोनों ट्रेनों के अलावे पटना के आसपास स्टेशन से होकर के गुजरेगी करीब 5 जोड़ी और ट्रेन। यह 5 जोड़ी ट्रेन का परिचालन 21 सितंबर से ही देखने को मिलेगा, जिनमें दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस सुबह 9 बजे दानापुर से सिकंदराबाद के लिए रवाना होगी। वहीं बेंगलुरु दानापुर एक्सप्रेस का परिचालन सुबह 8 बजे देखने को मिलेगा। इसके अलावे अहमदाबाद दरभंगा एक्सप्रेस और दिल्ली दरभंगा एक्सप्रेस के साथ साथ दिल्ली मुजफ्फरपुर के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन भी आपको देखने को मिलेगा। इन सभी ट्रेनों का परिचालन बिहार के तमाम रेलवे स्टेशन से होकर के और यहां के छोटे मोटे स्टेशन पर इसका ठहराव नहीं दिया जाएगा और रेलवे इन सभी ट्रेनों का परिचालन बिहार आने के लिए और बिहार से जाने के लिए तमाम रूटों पर चलाने वाली है। आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो अपडेट में कई और जानकारी हम लेकर के आएंगे, साथ ही बताएंगे कि और कितनी ट्रेन रेलवे चलाने वाली है उसका भी अपडेट आपको करेंगे। तो ये था आज का अपडेट। आने वाले नेक्स्ट वीडियो अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।